रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। यहां शादी की रात दुल्हन ऐसे दूल्हे की मांग करती है पूरी। जानने के लिए पड़े पूरी खबर। शादी को लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में तरह तरह की प्रथाएं निभाई जाती हैं। सभी समुदायों के अपने अपने नियम हैं। हिंदू धर्म में शादी में दूल्हा दुल्हन की मांग भरता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म है जिसका पालन सदियों से होता आ रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अनोखी शादी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन अपने पति की मांग भरती है। सुनने में ये भले ही काफी अजीब लगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कुछ ऐसी ही अनोखी और अजीबोगरीब प्रथा का पालन किया जाता है। यहाँ विवाह से संबंधित सारी रस्में बाकी आम शादियों की तरह होती है, लेकिन दूल्हे की मांग भरने की ये प्रथा इसे बाकी शादियों से अलग बनाती है। यहाँ शादी में अकेले दुल्हन की नहीं बल्कि साथ में दूल्हे के मांग में भी सिंदूर भरी जाती है। यहाँ शादी कराने वाले पुरोहित का इस बारे में कहना है कि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन यहाँ साथ मिलकर बाजार जाते हैं और एक साथ सिंदूर खरीदते हैं। शादी के दिन दूल्हा दुल्हन उसी सिंदूर से एक दूसरे की मांग भरते हैं। यहाँ लोगों का ऐसा मानना मानना है कि इस रस्म से शादी में दूल्हा और दुल्हन को बराबरी का एहसास होता है। छत्तीसगढ़ की इस अनोखी मांग भरोसजनी शादी में केवल वर वधु के परिवार वाले, पुरोहित और गांव के बुजुर्ग ही उपस्थित रहते हैं। इनके अलावा शादी में बाहर का कोई इंसान नहीं रहता है। जशपुर जिले में शादी की ये रस्म बेहद अनोखी है। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन के घर के पास स्थित बगीचे में खड़े रहकर उसके घर से आमंत्रण का इंतजार करता है। इसके बाद दुल्हन के परिजन दूल्हे के पास जाकर उसे कंधे पर बिठाकर विवाह मंडप तक लेकर आते हैं। मंडप में दुल्हन का भाई अपनी बहन की उंगली पकड़ता है। दुल्हन बिना देखे अपने भाई के सहारे पीछे हाथ करके दूल्हे के मांग में सिंदूर डालती है। हालांकि इसे कोई देख नहीं पाता है, क्योंकि इस पूरे रस्म को चादर के तले निभाई जाती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये वर वधु के रिश्ते को मजबूत बनाता है और उन्हें 7 जन्मों के लिए एक दूसरे से बांध देता है।